यूएस के पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने खास तरीके की केमिकल टेक्निक निकाल दी है जिसमें उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट को क्लीन लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट कर दिया। ये 100% फ्यूल है जिसको यूज किया जा सकता है, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल को यूज किया जाता है। तो इससे पॉल्यूशन तो कम होगा ही, और ये जो प्लास्टिक वेस्ट बढ़ रहा है इसको भी कन्वर्ट करके फ्यूल में कन्वर्ट किया जा सकेगा आगे के वक्त में। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट वीडियो नंबर 93। मेरा नाम है वारिस शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। रेंडियर इस दुनिया में इकलौते ऐसे मैमल हैं जो अल्ट्रा वायलेट लाइट को देख सकते हैं, और इसी के साथ साथ उनको फर्क मालूम रहता है स्नो का और वाइट फर का। इसी वजह से वो प्रेडिटर से आराम से बचकर निकल जाते हैं। इस दुनिया के अंदर कई ऐसे इंसान होते हैं जिनके अंदर एक स्पेशल टैलेंट होता है, जिस तरीके से किम पीक के अंदर एक स्पेशल टैलेंट था कि ये एक बुक ऑन एवरेज एक घंटे में ही कंप्लीट कर जाते थे, क्योंकि ये एक आंख से एक पेज पढ़ रहे होते थे और दूसरी आंख से दूसरा पेज पढ़ रहे होते थे, जिस वजह से इनकी बुक एक घंटे में ही कंप्लीट हो जाती थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बुक को पढ़ते थे, बल्कि वो कंटेंट इनके दिमाग में याद भी रहता था, और इनको करीबन 12,000 बुक्स याद थी इनकी मौत के टाइम पे जब ये 2009 में मर गए थे। वर्ल्ड वॉर का एक सोल्जर जिसका नाम था डॉन कारकोस, उसकी आंख में चोट लग गई थी वर्ल्ड वॉर के अंदर, जिस वजह से वो ब्लाइंड हो चुका था एक आंख से। लेकिन 64 साल बाद यानी कि 64 ईयर्स बाद में एक घोड़े को देखते हुए उस घोड़े ने उनको हेडबट मार दिया, जिसके बाद में उनकी आंख की रोशनी वापस आ गई, क्योंकि घोड़े ने सेम स्पॉट पे ही हेडबट मार दिया था, घोड़े को मालूम था। नेटिव अमेरिकन्स की एक ट्राइब है जिसको बोला जाता है तारा हुमारा, और ये अल्ट्रा रनर्स के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबी दूरी तक का सफ़र तय कर देते हैं कम वक्त में। ये करीबन 320 किलोमीटर तक भाग सकते हैं एक दिन में, और इसी के साथ साथ इनके उधर एक कॉम्पिटिशन भी खेला जाता है जिसमें दो दिन तक भागते रहना होता है, जहाँ पर ये टो स्ट्राइक मैथड का यूज़ करते हैं। वैसे ट्रेडिशनली लोग अक्सर हिल स्ट्राइक मैथड का यूज़ करते हैं, लेकिन वो उसमें ज़्यादा दूर नहीं भाग पाते, लेकिन इनका तरीका ही कुछ अलग है जिस वजह से इतना लंबा भागते हैं। नेगाहोलिक्स उन लोगों को कहते हैं जो हमेशा नेगेटिव थिंकिंग ही रखते हैं अपने दिमाग में कि ये नहीं होने वाला, वो नहीं होने वाला, हमेशा डाउट क्रिएट कर देते हैं कोई भी चीज़ हो रही होती है, तो उनको नेगाहोलिक्स कहा जाता है, क्योंकि उनकी थिंकिंग ही हमेशा नेगेटिव रहती है और नेगेटिव ही सोचा करते हैं। 2016 में साइबेरिया के एक बीच पे लोगों ने कई सारे गोल गोल पत्थर देखे, और जैसे ही वो उनके पास गए तो उन्हें मालूम चला ये बर्फ के गोल गोल गोले बने हुए हैं जो हवा ने बना दिए थे। हवा उन पर लगती गई और जिस वजह से उनकी शेप ही गोल हो गई है, अलग ही अपनी तरीका एक फिनोमिनन बन गया जिसमें हवा से बर्फ ने ये आकार ले लिया। इस दुनिया में इंसानों ने कई क्रॉस ब्रीडिंग करवाई है जिसमें उन्होंने घोड़ों को भी नहीं बख्शा। यहाँ पर घोड़े और जेब्रा के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई, जहाँ पे जिस ब्रीड ने जन्म लिया उसका नाम रखा गया जॉर्स। रशिया के अंदर फीमेल्स की संख्या ज्यादा है जो करीबन 1,10,00,000 ज्यादा है मेल्स के मुकाबले। चाइना के अंदर हर साल लाखों बच्चे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देते हैं जो दो दिन के लिए चलता है, जिस बीच सभी स्टूडेंट्स आते हैं इन एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। इसको गांव का एग्जाम भी बोला जाता है। इस बीच दो दिन तक सभी फैक्ट्रीज बंद कर दी जाती हैं और रोड पे हॉर्न वगैरह बजाने बंद कर दिए जाते हैं, और यहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग भी करती है कि कोई स्टूडेंट्स को तंग तो नहीं कर रहा है या फिर डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहा है। अक्सर टीवी पे आजकल आप बाबाओं के उपदेश वगैरह देखते रहते होंगे जहाँ पर वो प्रवचन वगैरह देते हैं। इसी तरीके से अंग्रेजों के यहाँ पे भी होते हैं टेलीविजन प्रीचर्स, जिसमें से एक था ओरल रॉबर्ट्स। उसने कहा कि मुझे भगवान उठाकर ले जाएगा 3 महीनों के अंदर अगर तुमने $8 million की डोनेशन मुझे नहीं करी, जिसके बाद में 3 महीनों से पहले ही उसको 9 million की डोनेशन कर दी। इतनी अंधभक्ति भी है बाहर के देशों में, समझ रहे हो। यही नहीं है कि समोसा खा ले, इडली खा ले, डोसा खा ले, रोड पे जाके कुटाई खा ले, सब ठीक हो जाएगा, कृपा आने लगेगी। तो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी के साथ साथ मैं आपका एक सजेशन चाहूँगा कि अगर आपको देखनी है कोई नई सीरीज तो उसका ज़रा नाम ज़रूर बताना कि किस तरीके की नई सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि मैं दो टाइप की सीरीज स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ जिसके बारे में मैं आपको जल्द ही बताऊँगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो उसको शेयर ज़रूर करना कमेंट बॉक्स में, और इसी के साथ साथ अगर आप इसी टाइप की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको पता नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई।
ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर क्यों नहीं कर रहे।